श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में कार्तिक महीने की छठ पूजा कब है, सभी महत्वपूर्ण तिथियां, पूजा व अर्घ देने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है, इसे 4 दिवसीय उत्सव भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को इसका समापन किया जाता है। नहाए खाए छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। साल 2023 में छठ पर्व 17 नवंबर शुक्रवार के दिन नहाए खाए के साथ शुरू होगा। खरना छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। इस दिन से ही निर्जल व्रत की शुरुआत होती है, यानी कि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्य जल ग्रहण नहीं करता है। इस दिन संध्या काल के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीजों से सूप सजाया जाता है और व्रत करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ संध्या काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ देता है। सूर्य देव को जल और दूध का अर्घ देने के बाद सजाए गए सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना के बाद छठी मैया के गीत गाकर व्रत कथा सुनी जाती है। दर्शकों, छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ देने का विधान है। चौथे दिन यानी कि सप्तमी तिथि को प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ देने के लिए किसी नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और छठ मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस पर्व के चारों दिन साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पूजा के लिए बांस से बने टोकरी या सूप का इस्तेमाल करना शुभ होता है। सूर्य देव को जल देते समय स्टील या प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल वर्जित माना गया है। दर्शकों, साल 2023 में छठ पूजा का पर्व 19 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। छठ पूजा के दिन सूर्योदय का समय होगा प्रातःकाल 6:46 पर। छठ पूजा के दिन सूर्यास्त का समय होगा शाम के 5:26 पर। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर प्रातःकाल 9:18 पर। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर प्रातःकाल 7:23 पर। नहाए खाए तिथि होगी 17 नवंबर शुक्रवार को। खरना तिथि होगी 18 नवंबर शनिवार को। संध्या अर्घ दिया जाएगा 19 नवंबर रविवार को। उगते सूर्य को अर्घ और पारण का समय होगा 20 नवंबर को।